सपा सांसद ने आशीर्वाद नहीं दिया, नाराज रहे पूरे चुनाव प्रचार और आज भी नाराज हैं। देखिए आप, मुझे तो ऐसे लग रहा है आपके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। मुरादाबाद की सियासी लड़ाई अब भले ही जनता के हाथों में आ चुकी हो, मतदाताओं का वोट तय करेगा कि मुरादाबाद का किला कौन फतह करेगा। लेकिन एसटी हसन का पत्ता काटकर सपा उम्मीदवार बनी रुचि वीरा वोटिंग के दिन बूथ बूथ घूमती दिखाई दी। रुचि वीरा ने अपनी जीत का दावा भी कर दिया, बोली जनता का आशीर्वाद साथ है। देखिए हमने जब से भी टिकट डिक्लेयर हुआ तब से ईमानदारी से मेहनत करी है, और भाई जब कहते हैं जब अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करो तो फल भी ऊपर वाला देगा, और पूरी हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी वोटिंग होगी और चुनाव जीतेंगे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन रुचि वीरा से जब मौजूदा सांसद एसटी हसन को लेकर सवाल किया गया कि जनता का आशीर्वाद तो ठीक, लेकिन क्या उन्हें मौजूदा सांसद का भी आशीर्वाद मिल रहा है, तो रुचि वीरा तपाक से बोल उठी कि लगता है कोई और मुद्दा नहीं है। क्या मतलब, कहीं ये उनकी दुखती रग तो नहीं? क्या आप, मुझे तो ऐसे लग रहा है आपके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। यहाँ विकास की कोई बात नहीं करते, उसका कोई सवाल नहीं पूछते आप, और सब साथ हैं, कोई ऐसा नहीं है जो साथ ना हो। किससे मुकाबला है आपका आज? देखिए आमने सामने का इलेक्शन है, कोई और तो है ही नहीं, जो वर्तमान सरकार में के चल रही है उसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। और देखिए मुकाबला भी क्या कहें, वो तो कहीं फील्ड में मुझे तो दिखाई नहीं दिए। रुचि वीरा भले ही मीडिया के कैमरे के सामने इस बात के दावे कर रही हो कि सब साथ हैं, लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि टिकट कटने के बाद से ही मुरादाबाद के वर्तमान सांसद ने खुला ऐलान कर रखा था कि वो रुचि वीरा के चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होंगे, और आखिरी वक्त तक वो अपने बयान पर कायम रहे, क्योंकि पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव जब रुचि वीरा के लिए चुनाव प्रचार करने मुरादाबाद गए थे तो अखिलेश के मंच पर मौजूदा सांसद एसटी हसन मौजूद नहीं थे, यानी टिकट कटने की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। तो देखना होगा कि रुचि वीरा की राह ऐसे में कितनी मुश्किल होती है।